इतनी चिंता करने की क्या बात है? मैंने तो आपका फैसला मान लिया है ना? एक बात कहना चाहती हूँ, जाने से पहले एक बार माताजी से मिल लेना। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हारे ऊपर माताजी का बहुत असर है। जितना तुम्हें अपनों से नहीं मिला, उतना तुम्हें माताजी से मिला। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए तिवारी जी को बुला लिया, माताजी से जाकर के मिले। इसके बाद कब कौन किससे मिले कोई पता नहीं। मेरी चिंता मत करो, इतने सालों तक जिस पार्टी से हम जुड़े रहे, मैं तो कहूंगी उन सब कार्यकर्ता से आप मिल लो, ताकि आपके बारे में किसी के मन में गलत फहमी ना रह जाए। क्योंकि आपको पता है, जैसे माताजी के ऊपर लांछन लगा, झूठा आरोप लगा, उसी तरह आपके ऊपर कोई लांछन लगाए मुझे पसंद नहीं। देखो सुभाषिनी, तुमने जो माताजी से मिलने की बात कही, उनसे तो मैं मिल लूंगा, लेकिन जो कार्यकर्ताओं से मिलने की बात कही, ये सारे जो है लक्ष्मण की तरह गर्म मिजाज वाले, उनसे मिलने पर भी जो है वो अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे और ना मिलने से भी अपशब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उन लोगों को कोई गलत फहमी का मौका मत दो। देखो, यहाँ फहमी या गलत फहमी की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। और उन लोगों में समझदारी बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल लक्ष्मण की तरह जो है गर्म मिजाज वाले, तो उन लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं? वो मेरी जज्बात का जो है कदर करे। मुझे पता है लक्ष्मण ने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाया है, पर सब लोग तो ऐसे नहीं हैं। देखो सुभाषिनी, तुम कभी किसी कार्यकर्ता से नहीं मिली हो, ना ही उनके किसी बैठक में तुमने भाग लिया है, इसलिए तुम्हें उनके स्वभाव के बारे में कुछ पता नहीं। और मैं उनके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। देखो, मैं छोटे मुंह से बड़ी बात तो नहीं करूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें जो कहना है तुम कहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बोलो ना, क्या लगता है? कि सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। हाँ, वो ठीक है, लोगों लोगों में फर्क तो होता है। सब लोग अगर एक जैसे बर्ताव करने लगे। हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो बोलो तो। तो लोगों में तो मत विरोध होता ही नहीं था। हाँ, नहीं होता, ठीक है। जब मत विरोध है हमारे बीच में, तो तब जरूर लोग अलग अलग होते हैं। हाँ, ठीक। उनके विचार अलग होते हैं। सब लोगों को एक जैसे कैसे समझ सकते हो? ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही बात कही। जैसे तुमने मेरे मन की बात छीन ली। किसी ने कहा है, जितने मत उतने पथ। जैसे रेल की दो पटरियां, वो कभी नहीं मिलती, बिल्कुल सीधी चलती रहती, उसी तरह से भिन्न मत के लोग, वो भी अपने हिसाब से चलते रहते। और इसीलिए तो इस विभिन्न पथों में उलझने की बजाय मैंने अपना अलग मार्ग चुन लिया, जो मार्ग सिर्फ मेरे लिए है, मेरी खुशी के लिए है, मेरे सुख और शांति के लिए है। आप तो कभी ऐसे नहीं थे, खुद के सुख खुद के स्वार्थ के लिए सोचते हैं। हाँ, ये सही है कि मैं ऐसा नहीं था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ऐसा पथ का निर्वाचन करूं। ठीक है, आपको जो समझ में आए वही कीजिए। अभिनंदन मेरे दोस्त।
आखिर आज तुम्हें प्रमोशन मिल ही गया। मैंने कहा था ना विश्वनाथ, सच्चाई में वक्त लगता है, लेकिन आज तुम्हें कामयाबी मिल ही गई। तुम सही कहते थे मेरे दोस्त, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे अभिनंदन सबसे पहले तुमने ही किया। जज साहब का नया ऑर्डर पता है ना तुम्हें? मैं तो कहता हूँ विश्वनाथ, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी भी है लेकिन बेईमान नहीं है। तुम खुद ही सोचो, हमारे लोग और उनका फैसला। भाई बहन के रिश्ते का जो कड़वापन है वो तुमसे पहले मैं भुगत चुका हूं। चलो आज कुछ खुशियां मनाते हैं मेरी तरफ से। क्या बात है, नमस्कार साहब। साहब नमस्कार। हाँ साहब, कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हो, बोलो। साहब आपकी कुछ ज़मीन है, उसके बारे में कुछ। देखो ज़मीन वमीन की बात हमसे मत करो, हम लोग वकील हैं। हाँ कुछ कानूनी दावपेच है या कानून की बात करनी है तो ही हमसे करिए, हम कानूनी बात करते हैं, ज़मीन वमीन की नहीं बात करते। नहीं सर, बात कानून की ही है। कानून और जमीन से संबंधित किसी के बारे में कुछ बात करनी है साहब। साहब क्या है कि आपकी जो बहन है, मतलब मेरी मालकिन, वो जमीन लोगों को दान कर रही है। क्या? हाँ साहब। ये आप क्या कह रहे हो? यहाँ जितने भूमिहीन किसान हैं उन सब की सूची बनाने को मुझसे कहा है। ये कैसे हो सकता है, आपको सही मालूमात है? अरे साहब ये काम तो मुझसे करवाने को बोला है, और वो सुधीर और वो रंजीत उन सबको माफ कर दिया है। पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया। साहब आपकी बहन में क्या परिवर्तन आया कुछ पता है नहीं, क्या जादू हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो काम मुझे करने के लिए सौंपा था, लेकिन पता नहीं बहन में क्या परिवर्तन हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साहब ये बात मैंने आपसे कह दी, बाकी आपकी मर्जी, चलता हूं मैं। एक मिनट, अगर ये बात सही निकली तो आज से आप मेरे परम मित्र हो, और अगर गलत निकली। नहीं 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 नहीं, राम 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 राम, ये गलत नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सच है। अगर ये बात गलत निकली तो आप जो भी सजा देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप कानून के रखवाले हैं, आप माए बाप हो। तिवारी, विश्वनाथ बाबू है क्या? नहीं साहब, तो सुबह निकल गए। मैं क्या बताऊं दादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि माताजी की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं बेटा, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, जो मेरे नसीब में था वो मिला, इसमें तुम लोगों का क्या दोष है। मेरे बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा था, माँ तुम कुछ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, वही हुआ ना दादा? क्या बताऊं, एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अपने बेटे के प्यार में अंधा होकर मैंने किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा। माताजी की यह हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं
क्यों आया माताजी का सहारा लेने? अरे तिवारी, आजकल के नौजवानों का जो गर्म खून है ना, उसमें किसी ने कुछ कह दिया होगा, इसमें तुम अपने आप को दोषी क्यों मानते हो? और माताजी ने तो कहा था इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हाँ दादा, ये तो माताजी का बड़प्पन है कि माताजी ने हमें दोषी नहीं ठहरा है, लेकिन जो हुआ मैं जानता हूँ। दादा, करसन साहब से मिलने के बाद माताजी ने कहा था हमारे ऊपर कोई लांछन ना लगे, लेकिन क्या हुआ, हम लोग अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और जिसका डर था वही हुआ। अरे तिवारी, इस तरह से बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैं लक्ष्मण को समझाऊंगा कि इस तरह के बयानबाजी किसी के बारे में ना करे। दादा, आपको क्या लगता है किसी एक को समझाने से ये बात यहां रुक जाएगी? नहीं, आज जो बात हमारे मोहल्ले के नौजवानों में फैली है, ये दत्त परिवार या माताजी अंग्रेजों के दलाल है, इस बात से इतना आघात पहुंचा है माताजी को और दत्त परिवार को, इस दर्द को हम समझ सकते हैं। तिवारी बेटा, जो हो गया तो हो गया, अभी तुम इसके बारे में कुछ ना सोचो, अपना काम धाम करो। माताजी, अगर वाकई आप हमें माफ करती है तो आप हमारे संस्था से जुड़ जाइए और हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, तो मैं समझूंगा आप सचमुच हमें माफ करती हैं। माता जी, ये बात तो ठीक है कि अभी आप प्रत्यक्ष रूप से हमारी संस्था से जुड़ नहीं सकती, लेकिन आप पहले की तरह स्वस्थ होकर के हमारा मार्गदर्शन करें, यह हमारी इच्छा है। मैं उसके खड़ी तो हो जाऊंगी, लेकिन लोगों से मिलना जुलना ये नहीं हो पाएगा। तुम लोग समझने की कोशिश करो कि मुझ में अभी पहले जैसी ताकत नहीं है। मैं उठ खड़ी तो हो जाऊंगी, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है माता जी, आप आराम कीजिए, आपको आराम की आवश्यकता है, मैं फिर कभी आ करके आपसे मिल लूँगा। चलो तिवारी। नहीं दादा, एक मिनट रुकिए, चलने से पहले मैं माता जी को वचन देता हूँ कि जिस स्वराज के लिए जो कदम हमने उठाया है, इसमें तन मन धन से समर्पित रहूँगा, इसमें किसी भी तरह का प्रलोभन और अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं इस अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है बेटे, अभी तुम लोग जाओ, उसको थोड़ा आराम कर दे। दादा, आप भी तो हमारे साथ छोड़ रहे हो। मेरी बात छोड़ो, मेरी कुछ अलग मजबूरियां है, आपकी अपनी मजबूरी है, किसी और की अपनी परेशानी है, लेकिन मैंने जो फैसला किया उस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा मैं। अरे भैया, आप कब आए? आप कुछ खबर नहीं दी और आ गए ऐसे? आइए आइए, बैठिए। अभिनंदन मेरी बहन। अभिनंदन वो किस लिए? मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है मेरी प्यारी प्यारी बहन। ओ अच्छा, आज मेरा दिल कहता है कि सारी दुनिया से कहूँ कि सुलोचना मित्तिर और कोई नहीं, मेरी बहन है। मैं तुम्हारे लिए बहुत गर्वित हूँ। आप कहीं ताने तो नहीं मार रहे भैया? आप अच्छाई की तरफ बहुत आगे निकल चुकी हो, अब तानों की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आज हमारे रिश्तेदारों में आप ही की बात हो रही है और खुशी ही खुशी है। भैया,
क्या आपकी खुशी मेरी हार की वजह से तो नहीं है? हमारे बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें मैं जो पराजित हो गई हूँ। सच तो ये है मेरी बहन कि हमारे बीच में कोई लड़ाई थी ही नहीं। पहले भी हमारा बहन भाई का रिश्ता था और आज भी वैसा ही कायम है। लड़ाई जो थी प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम और मानव द्वारा बनाए गए नियमों से, और उसमें मैंने सिर्फ प्रकृति के नियम का समर्थन किया। ठीक है अंदर तो आइए, कुछ जलपान कीजिए पहले। नहीं नहीं, आज सिर्फ जलपान से काम नहीं चलेगा, आज तो आपके यहाँ भोजन भर पेट करके जाऊंगा। ठीक है मैं अंदर बोल कर आती हूँ। एक मिनट बहन, जो परिवर्तन आप में आया है क्या इसका राज मैं जान सकता हूँ? अरे भैया, ये सारी दुनिया परिवर्तनशील है। मैं एक चुत्र मानव हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन आने में कितनी देर लगेगी? इसमें कुछ राज तो होगा क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। भैया, यदि एक डाकू ऋषि बन सकता है तो मैं स्त्री होकर मानव नहीं बन सकती? कोई तो जरूर होगा इसके पीछे। क्यों बहन, मुझे नहीं बताओगी? नरेन। वो बालक नरेंद्र? आप बैठिए, मैं आती हूँ।